जय हिंद क्लास 11। आज हम बात कर रहे हैं फिजिक्स में जो आपका टॉपिक है वो है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया डिफरेंट डिफरेंट बॉडी का। एक्चुअल में मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जो पहले ही पढ़ चुके हो मेरे लाल, वो पढ़ चुके हो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया या रोटेशनल एनालॉग्स ऑफ फोर्स, और इसको हम आई से नोट करते हैं, कैपिटल आई से नोट करते हैं। ठीक है बेटा, कैपिटल आई से मूवमेंट ऑफ इनर्शिया को नोट करते हैं। अब मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का जो एक जनरल फॉर्मूला है वो है आई इक्वल टू एम आर स्क्वायर, जहां पर एम है मास और आर क्या है रोटेटिंग एक्सिस से दूरी। और जब हमारे पास एक बड़ी बॉडी आ जाती है, जैसे कि हम बात करें इस गेट की या फिर किसी बड़े गॉड की बात करें जो लास्ट में समझाया था, तो यहाँ पर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया तो कैसे निकलेगा, उस कंडीशन में एक जो आर होता है वो रेडियस ऑफ गायरेशन बन कन्वर्ट हो जाता है। मैं आपको समझा भी चुका था और इसको याद आए खुद, किस पे गेट पे मैंने बंद करके देख लेना, मैंने उसको टिक लगा के दिखाया भी था। ठीक है ना, चलो कोई बात नहीं। यदि हमें किसी बड़ी बॉडी की बात करें तो वहां पर आर चेंज हो जाता है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होता है आई इक्वल टू एम के स्क्वायर, जहां पर के क्या होता है बेटा रेडियस ऑफ गायरेशन। ठीक है ना। अब बेटा हमें डिफरेंट डिफरेंट बॉडी हमारे पास है, उन बॉडियों की बात करें तो करीब 12 13 14 15 बॉडी होंगी जो उनकी डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू होगी। वैसे मैं आपको एक तो निकाल के दिखा दूंगा, वैसे आपके सिलेबस से इस साल रिमूव हो चुकी है, फिर भी मैं एक या दो आपको पढ़ा के दिखा दूंगा जो वैल्यू निकली कैसे, इसमें घबराने की बात नहीं है। लेकिन मैं आपसे चाहता हूँ कि आप इनको डेरिवेट करने के लिए, क्योंकि रिमूव हो चुकी है और किसी कंप्यूटर एग्जाम में इसका डिवीजन नहीं आता है, आप इनको लर्न कर लीजिए, याद कर लीजिए, कंप्यूटर एग्जाम में डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी पड़ती है। ठीक है ना, तो मैं फिर भी चाहूंगा कि वैल्यू निकली कैसे वो बात बताऊंगा। फिलहाल तो आप इसकी टेबल बना लीजिए, उस टेबल में करीब मैं 12 या 13 आपको बॉडी जो जरूरी है और इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी में 8 लिखी है, मैं आपको 8 से ज्यादा करा दूंगा। ठीक है ना, कैसे करनी है वो भी बता देता हूँ। पहले सबसे पहले आपको बेटा क्या लिखना है यहाँ पर, सीरियल नंबर। सबसे नंबर मतलब ये सीरियल नंबर है। देख रहे क्या है टॉपिक, क्या अपना मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सम रेगुलर शेप बॉडी अबाउट स्पेसिफिक एक्सिस। बेटा एक्सिस हम चेंज करते जाएंगे, कैसे करेंगे वो भी मैं दिखा दूंगा, क्योंकि बॉडी एक ही होगी और उसको अलग अलग एक्सिस से घुमाने पर उनका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया भी चेंज हो जाता है। जैसे कि मैं एग्जांपल ले लेता हूं बेटा, इसको मेरे हाथ में मेरी पानी की बोतल है, एक सिलेंड्रिकल शेप में मान लिया क्योंकि ऊपर मैंने कम कर दिया है, सिलेंड्रिकल शेप में है, तो एक तो सर इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया हो सकता है जब ऐसे घूम रही हो। ठीक है ना, और एक ऐसा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होता है जब एक मेरी उस उंगली की चारों तरफ घूम रही हो, घूम दोनों टाइप में रही है नमरी लाल, अभी भी घूम रही है ऐसे ऐसे दिख रही है। और दूसरा क्या हो सकता है सर, जब मेरी सिलेंड्रिकल बॉडी मेरे इस उंगली के चारों तरफ घूम रही है। ठीक है ना, या फिर किसी के पास रिंग है, देखिए दिखाना बेटा, किसी पास कड़ा है, कड़ा है किसी के पास, मैं दिखाना बेटा, थैंक यू बेटा। बेटा अब देखो इस कड़े से समझ में आएगा, जब ये कड़ा इस तरह से घूम रहा हो तब भी कुछ ना कुछ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। देखना बेटा, यदि ये मेरे हाथ में है और इस तरह से घूम रहा हो, दिख रहा है ना, घूमते हुए दिख रहा है ना आपको, इस तरह से घूम रहा हो, सेंटर इसका यहाँ मेरे उंगली का सेंटर है। ठीक है ना, अब यही कड़ा बेटा इस तरह से भी घूम सकता है, और बेटा यही कड़ा सर इस उंगली के चारों तरफ से आप रिंग घुमाते हो इस तरह से घूम सकता है, मेरी उंगली फिक्स है और कड़ा कैसे घूम रहा है, इस तरह से घूम रहा है। ठीक है, समझ में आई बात कि सर इस पर चक्कर टच करते हुए घूम रहा है, तो तीन तरह से इस आपका जो रिंग है वो घूम सकती है, तो इसीलिए हमारा उनका एक्सिस भी चेंज होता जाएगा। ठीक है ना, बॉडी सेम रहेगी, बॉडी क्या है रिंग है, बट सर इस समय एक ऐसे कंडीशन होती है घूमने की जैसे कि सुदर्शन चक्र भगवान श्री कृष्ण का। ठीक है ना, दूसरा बेटा एक आपका सिंपल जैसे आप रिंग घुमाते हो ऐसे करके ऐसे घुमाते हो ना रिंग, तो वो भी तरीका हो सकता है इसका। और दूसरा तरीका क्या हो सकता है सर, सर इसको तो हम ऐसे भी घुमा सकते हैं, ऐसे जमीन पर रखो घुमा दो ऐसे। ठीक है ना, तो तीन एक्सेस हो सकते हैं, तो हमें वो एक्सेस पढ़ने की किस एक्सेस पर घूमने पर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, और उसकी फिगर मैं बता दूंगा आप बनाते जाएंगे। तो आप इस तरह की टेबल बना लीजिए बेटा, इस तरह की टेबल बना लीजिए और इसको लिखना शुरू करिए। नंबर वन डालिए, सीरियल नंबर वन, सीरियल नंबर वन में डालिए बेटा अ थिन रॉड, अ थिन रॉड, थिन रॉड बेटा एक थिन रॉड है बेटा, एक्सिस ऑफ रोटेशन डालिए बेटा परपेंडिकुलर द रॉड, परपेंडिकुलर द रॉड, डन बेटा परपेंडिकुलर द रॉड, और जो घूमने का एक्सिस होगा उसके मिड पॉइंट पर होगा, परपेंडिकुलर रॉड एंड मिड पॉइंट, मिड पॉइंट ऑफ द रॉड, रॉड के मिड पॉइंट पर। यदि मैं इसका डायग्राम बनाऊं तो पतली रॉड है, बहुत पतली रॉड बनाई मैंने, देखो एक पतली रॉड बना दी। ठीक है ना, और उसका जो रोटेटिंग एक्सिस है वो इस तरह से घूमेगा, देखना मैं लाल
ठीक है ना। यदि मैं कहूं इस रॉड का मास m है, इस रॉड का मास m है और इसका लेंथ l है, तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा इसका? इस रॉड का मास m है और लेंथ m है, तो बेटा लेंथ l है तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होगा इसका I इक्वल टू m l स्क्वायर अपॉन 12, एम एल स्क्वायर अपॉन 12। और जिसको याद है वो प्लीज रिपीट मत करिए क्योंकि दिक्कत हो जाएगी मुझे मेरे को, ठीक है ना। तो इतना भी लिख दिया एम एल स्क्वायर अपॉन 12, पास हो गया आपको, वेरी गुड। नेक्स्ट सेकंड डालो बेटा, सेकंड डालो सेम इसी तरह, कब कर दो डाल इसको, ठीक है बेटा। मैं एक मिनट वेट कर लेता हूँ, नोट करो, साथ साथ आपको करता जाऊंगा, ठीक है। नोट हो गया, डायग्राम बन गया, आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख लिया, ठीक है ना। चलो भाई सेकंड लिखते हैं, मैं सेकंड पर आता हूं। सेकंड में क्या डालिए बेटा, थिन रॉड, बॉडी है थिन रॉड, परपेंडिकुलर टू रॉड एंड इट्स वन एंड। बेटा एक्सिस देखना, रॉड की परपेंडिकुलर है बट कहां पर है, एक एक्सिस से है, यानी कि रॉड कैसे घूम रही होगी, मैं डायग्राम बना देता हूं, समझ जाओगे तुरंत ही, मुझे पता है बेटा। ये आपके रॉड है और रॉड घूम रही होगी इस तरह से, इस तरह से, डायग्राम तो समझ में आ गया होगा कि रॉड कैसे घूम रही है। सर रॉड एक एंड से चारों तरफ घूम रही है, ठीक है। अब इस समय इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आई इक्वल टू क्या होगा, यदि रॉड का मास एम और लेंथ एल है तब मूवमेंट ऑफ इनर्शिया एम एल स्क्वायर अपॉन 3 होगा। कितना होगा बेटा, नोट कर लेना और याद भी कर लेना, एम एल स्क्वायर अपॉन 3, एम एल स्क्वायर अपॉन 3, इसको भी नोट कर लीजिए और याद कर लीजिए, ठीक है। नोट कर लिया हो तो मैं नेक्स्ट पे आऊं, थर्ड देखो बेटा, थिन रिंग, थर्ड है आपकी थिन रिंग, डाफ करो बेटा पूरा, ठीक है बेटा। थिन रिंग, थिन रिंग, ठीक है बेटा। अब रिंग कहां से घूम रही है, उसके डायमीटर से घूम रही है, ठीक है ना। तो रोटेटिंग एक्सिस मैं ले लेता हूं, डायमीटर, और यदि मैं रिंग बना रहा हूं, जो मैं रिंग बना रहा हूं और रोटेटिंग एक्सिस इसका इस तरह से, ठीक है ना, डायमीटर समझ में आ गया। इसके जस्ट बीच में जहां से दो उसके एंड को मिला दें तो जो होगा, तो उसके डायमीटर से इस तरह से रिंग रोटेट कर रही है और इस कंडीशन में थिन रिंग का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होगा एम आर स्क्वायर अपॉन 2, आई इक्वल टू एम आर स्क्वायर अपॉन 2। सबको लग रहा होगा डिफरेंट डिफरेंट क्यों आ रहा है, मैं आपको एक या दो तीन करा के दिखा दूंगा, आपको समझ लेना उसको, ठीक है। क्यों आ रहा है डिफरेंट वो भी समझ में आएंगे, जहां पर एम क्या है बेटा मास है और आर क्या है रेडियस, ठीक है ना, आर क्या है रेडियस और 2 तो आपको पता ही है नंबर से इसकी वैल्यू इतनी आती है। नेक्स्ट 4 डालिए, नंबर 4 डालिए बेटा, नंबर 4 डालिए, नोट हो गया, ठीक है बेटा। नंबर 4 डालिए थिन रिंग, थिन रिंग, थिन रिंग। अब बेटा रोटेटिंग एक्सिस में चेंज कर रहा हूं थिन रिंग का ही, और ये है टेंजेंट, टेंजेंट। अब टेंजेंट का डायग्राम कैसे बनेगा, टेंजेंट का डायग्राम कैसे बनेगा, इस तरह से बनेगा, यानी कि जो मैं करके कहा सब रिंग घुमाते हो, छल्ला घुमाते हो, चाबी का घुमाते हो, उस तरह से, ठीक है ना। थिन रिंग और इसकी रेडियस तो पता ही आपको आर होगी, ठीक है ना। थिन रिंग, इस समय इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया 3/2 एम आर स्क्वायर होगा, जहां पर एम मास है और आर क्या है रेडियस। कितना होगा बेटा, आई इक्वल टू 3/2 एम आर स्क्वायर, 3/2 एम आर स्क्वायर। आप समझो यही देख रहे होगे बार बार, सर एम सब में है, आर सब में है, स्क्वायर भी सब में है, बस डिफरेंस क्या आ रहा है, सर नंबर्स का डिफरेंट आ रहा है, कहीं पे 1.12 हो रहा है, कहीं पर कुछ हो रहा है, क्यों हो रहा है, वो अभी एक आध दो डायरेक्शन करेंगे, बिल्कुल समझ में आ जाएगा और आपके नहीं
भी आए तो मैं आपको इंटीग्रल दोबारा निकाल दूंगा। आप सारी वैल्यू को निकाल सकते हो, इसका आई कितना होगा फिर भी मैं आपको करके दिखा दूंगा, चार पांच क्वांटिटी जितने भी होंगे, ठीक है ना। मैक्सिमम नेक्स्ट लिखना बेटा, पांच में डालो बेटा, जी नोट हो गए तो पांच में डालो, फिफ्थ डालो बेटा, थिन रिंग, थिन रिंग, फिफ्थ भी थिन लेंगे क्योंकि हम हर बार क्या कर रहे हैं एक्सेस चेंज कर रहे हैं ना, तो थिन भी आप, फिफ्थ भी आपकी है थिन रिंग, फिफ्थ डालो ना थिन रिंग, एक्सेस ऑफ रोटेशन डाली है परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द रिंग, परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ रिंग एंड पासिंग थ्रू इट्स पासिंग थ्रू इट्स सेंटर, यानी कि एक रिंग है और घूम कैसे रही होगी, इस तरह से घूम रही होगी, यानी एक रिंग है वो गोल गोल घूम रही होगी सुदर्शन चक्र की तरह, ठीक है ना। और इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, आई इक्वल टू एम आर स्क्वायर, सी से एम आर स्क्वायर, यहां पर एम मास होगा और आर होगी रेडियस, एम आर स्क्वायर, आई इक्वल टू एम आर स्क्वायर इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा। डन बेटा, नोट करिए फिफ्थ भी, फिर आगे बढ़े। सिक्स डालिए बेटा, थिन डिस्क, डिस्क यानी कि वही आपकी सीडी, देखिए पतली सीडी है उसको वो घूम रही है, अब सीडी घूम रही है, ठीक है ना। अब थिन डिस्क, ठीक है ना, और वही लेकिन घूम कैसे रही है सर, घूम रही है थिन डिस्क किस तरह से, परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ रिंग पासिंग थ्रू इट्स सेंटर, यानी कि डिस्क सर्कुलर डिस्क है और वो घूम रही है उसके जहां पे आप उसको गोल होता है उसको पकड़ा आपको घुमा रहा है उसको कंटिन्यू, ऐसे कि आपकी सीडी रोम में घूमती है और कोई कंडीशन नहीं, ठीक है ना। थिन डिस्क परपेंडिकुलर प्लेन ऑफ द डिस्क, रिंग आप क्या कर देंगे, आप डिस्क कर देंगे, ठीक है ना, डिस्क एंड पासिंग थ्रू इट्स सेंटर, ठीक है। चलो भाई डिस्क बना लेते हैं, और इस तरह से घूम गई और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा आई इक्वल टू एम आर स्क्वायर अपॉन टू, आई इक्वल टू एम आर स्क्वायर अपॉन टू, नेक्स्ट डालो बेटा क्वांटिटी सेवन, सर्कुलर डिस्क, थिन सर्कुलर डिस्क, वो ये की बात है सर्कुलर डिस्क होगी या फिर आपको थिन डिस्क को बात एक ही है, थिन सर्कुलर डिस्क बात एक ही है, थिन डिस्क और थिन सर्कुलर डिस्क एक ही बात है। अब बेटा इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया एक्सेस चेंज कर रहे हैं हम, वो कर रहे हैं डायमीटर से, ठीक है ना। आप क्या कर रहे हैं डायमीटर से, थिन डिस्क और एक्सेस कैसा होगा डायमीटर, डायग्राम बनाए तो बेटा इस तरह से घूम रही है, इस तरह से, थिन डिस्क होगी और इस तरह से डायमीटर से वो रोटेट कर रही होगी, इस कंडीशन में इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा एम आर स्क्वायर अपॉन फोर, आर इक्वल टू एम आर स्क्वायर अपॉन फोर, आर इक्वल टू एम आर स्क्वायर अपॉन फोर, ठीक है। आपने सात क्वांटिटी पढ़ ली, सात डिफरेंट टाइप की आपने डायमेंशन पढ़ ली, एक डाली बेटा थिन डिस्क अगेन, अब वो टेंजेंट से घूम रही है, थिन डिस्क इसको रफ कर दे बेटा, इसको रफ कर देते हैं, ठीक है, थिन डिस्क
और 8 मिनट टेंजेंट टेंजेंट से घूम रही है। और इसकी रेडियस आपको पता है वही आर है और सेंटर जीरो वही ओ है। थिन डिस्क अपने टेंजेंट से यानी कि एक साइड से घूम रही है थिन डिस्क, ठीक है ना। उस कंडीशन में उसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होगा 5/4 mr². I = 5/4 mr² मूवमेंट ऑफ इनर्शिया उस समय इसका कितना होगा। और रोटेटिंग एक्सिस मैंने आपको बनाई है, वो डायग्राम बनाइए डायग्राम। आपको 8 क्वांटिटी मिल गई, 8 डिफरेंट शेप मिल गए, ठीक है ना। इसमें कुछ शेप सेम होंगे बट कुछ ऐसे चेंज हो रहा होगा। 9 डायमीटर हॉलो सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर खोखला सिलेंडर होगा, ठीक है ना। एक सिलेंडर होगा जो कैसा होगा, खोखला सिलेंडर होगा, ठीक है ना। अब बेटा इस हॉलो सिलेंडर की हम बात करें तो उसका इसको भी कई ऐसे से घुमा सकते हैं। लाल तो जो बात कर रहे हैं वो हम बात कर रहे हैं केवल उसका एक्सिस। यदि हॉलो सिलेंडर है तो एक्सिस होता है सेंटर का, ठीक है ना। तो हम इसमें लिख लेते हैं एक्सिस ऑफ सिलेंडर, एक्सिस ऑफ सिलेंडर यानी हॉलो सिलेंडर। वो घूम कहां से रहा है, अपने एक्सिस से ही घूम रहा है हॉलो सिलेंडर, ठीक है ना। हॉलो सिलेंडर अपने एक्सिस से घूम रहा है, ठीक है ना। और इसलिए डायग्राम सिलेंडर की रेडियस आर है, ठीक है ना। सिलेंडर की रेडियस आर है और सिलेंडर इस तरह से घूम रहा है हॉलो सिलेंडर, ठीक है ना। यानी कि अंदर से पूरा खाली है और इस समय इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होगा mr² I = mr² I कितना होगा बेटा mr² 10 डालिए मेरे लाल, इसको नोट कर लिया आराम से, फिर आगे नेक्स्ट पढ़ते हैं। सॉलिड सिलेंडर, ठीक है ना। टेंथ में डालिए सॉलिड सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर कंडीशन क्या रखनी है, एक्सेस ऑफ सिलेंडर ही रहेगा बट सॉलिड हो जाएगा। और इस तरह से रोटेट करेगा। सॉलिड सिलेंडर को हम दिखाने के लिए उसके अंदर लाइंस बना लेते हैं तो जब आपका सॉलिड सिलेंडर हो गया, ठीक है ना। सॉलिड सिलेंडर एक्सेस ऑफ सिलेंडर रोटेट करेगा उसी तरह बट सॉलिड होगा। पहले वो हॉलो था, अब जगह हो गया सॉलिड सिलेंडर हो गया। और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा I = mr² / 2 डालिए बेटा इसको बनाने के बाद सॉलिड स्फीयर, सॉलिड स्फीयर 11th में आपका आएगा सॉलिड स्फीयर नेक्स्ट बॉडी आपकी है सॉलिड स्फीयर। अब इस सॉलिड स्फीयर को डायमीटर से रोटेट कर रहे हैं, एक्सिस ऑफ सिलेंडर क्या होगा डायमीटर, डायमीटर, ठीक है ना। डायग्राम बना लेते हैं,
इस तरह से उल्टी करता हूं, इस तरह से उल्टी करता हूं। सॉलिड स्फीयर इस तरह से रोटेट करे जा रहा है उसके डायमीटर से। इस समय इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा 2/5 mr2। 2/5 i = 2/5 m इसका मास होगा और r होगा इसका रेडियस। 2/5 mr2। डन बेटा, डायग्राम बनाइए फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बेटा, तो एस क्वांटिटी डालिए, हॉलो स्फीयर, हॉलो स्फीयर। ट्वेल्थ नंबर पर हॉलो स्फीयर, हॉलो स्फीयर बेटा, हॉलो स्फीयर को भी हम क्या कर रहे हैं, इसके डायमीटर से रोटेट कर रहे हैं। हॉल स्क्वायर को भी क्या कर रहे हैं, डायमीटर से रोटेट कर रहे हैं। इसका डायमीटर इसको रोटेट कर देते हैं हॉल स्क्वायर। इस कंडीशन में इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा 2/3 mr2। 2/3 i = जाएगा 2/3 mr2। i = होगा 2/3 mr2। अब बेटा लास्ट क्वांटिटी में लिखा जा रहा हूँ, बहुत सारे और भी सेफ होंगे लेकिन आपके से काम चल जाएगा, सर किसी कंपिटेटिव एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। लास्ट लिखिए, तो एनसीईआरटी में तो आठ ही थे, मैंने आपको एक्स्ट्रा करा दिए मोस्टली कंपिटेटिव एग्जाम के। अब इसके अलावा कोई क्वांटिटी टच नहीं होगी, वो मेरी गारंटी है। लास्ट लिखिए बेटा, सॉलिड स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, सॉलिड स्फीयर लिख लिया मेरे लाल, सॉलिड स्फीयर। 13 डालिए, सॉलिड, सॉलिड स्फीयर बेटा। अब सॉलिड स्फीयर में लिखिए नेक्स्ट कि सॉलिड स्फीयर घुमा कैसे रहे, हम टेंजेंट से घुमा रहे हैं। अभी सॉलिड स्फीयर आपने पता होगा, आपको दिख रहा होगा सॉलिड स्फीयर हो चुका ऑलरेडी, बट सॉलिड स्फीयर डायमीटर से रोटेट किया था अभी हमने। अब सॉलिड स्फीयर कैसे कर रहे हैं, हम टेंजेंट से रोटेट कर रहे हैं, यानी कि स्फीयर है और उसको एक पर्टिकुलर वैल्यू पॉइंट से चारों तरफ घुमा रहे हैं। एक पॉइंट होगा और उसके चारों तरफ घुमाए जा रहे हैं, तो सॉलिड स्फीयर को टेंजेंट से घुमा रहे हैं, ठीक है ना। तो यहां लिखेंगे टेंजेंट, सॉलिड स्फीयर को टेंजेंट से रोटेट कर रहे हैं, ठीक है ना। अब इसको रोटेट कर रहे हैं तो इसका डायग्राम भी बना लेते हैं एक बार। इस तरह से, और सॉलिड स्फीयर की रेडियस कितनी है सर, आर रेडियस, ठीक है ना। और मास कितना है लाल इसका, एम मास। जब सॉलिड स्फीयर को टेंजेंट से रोटेट कर रहे हैं तब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा i = 7/5 mr2, जहां पर m सॉलिड स्फीयर का मास होगा और r होगा इसका रेडियस, ठीक है ना। मैंने आपको सारे के सारे जितना आपके बुक में है और उससे अधिक भी मैंने आपको करा दिया, ठीक है ना। इससे अलावा किसी कंपिटेटिव एग्जाम में इनकी वैल्यू नहीं पूछी जाएगी, मैं इस बात पर श्योर, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप इन वैल्यू को एक बार, दो बार, तीन बार पढ़ लें, अपने आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो बात हो जाएंगे। क्योंकि जबरदस्ती नहीं रटने की मैं कभी नहीं कहता, बस समझ नहीं कहता हूँ, फिर भी मैं आपको जो वैल्यू निकली कैसे, 7/5 चेंज हो रही, 1/12 कहाँ से आ रही है, वो मैं एक आध वीडियो बना के आपको दिखा दूंगा कि ये वैल्यू निकली कैसे, आप सीख भी जाएंगे इसको निकालना है। मान लो कहीं आप भूल गए और वास्तव में वो क्वेश्चन अटक रहा है और करना आपको श्योर करना ही है, तो फिर क्या करेंगे, मैं आपको तरीका सिखा दूंगा जो वैल्यू निकली कैसे, उसको करना आप सीख गए तो आप किसी भी बॉडी का, किसी भी शेप की बॉडी का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आसानी से निकाल सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद और गुड बाय।